फ्रेंड्स वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। सो आज है मेरे पास विंग्स फैंटम 500 गेमिंग टीडब्ल्यूएस है ये, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 40 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी देखने को मिल रहा है। और आपको पता ही है कि पहले 65 मिलीसेकंड्स लो लेटेंसी सबसे ज्यादा कम था, वो भी विंग्स ने ही निकाला था। तो अभी 40 मिलीसेकंड्स सबसे लेटेस्ट है और इसे भी विंग्स ने ही लॉन्च किया है। और अभी बात कर लेते इसके ऑन पेपर फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 5.1 ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, साथ ही में अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेम मोड का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। और एलईडी इफेक्ट्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बोर्ड्स में और इसके केस में आपको एलईडी इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है देखने में। और इसमें आपको 30 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक देखने को मिल जाएगा 60% वॉल्यूम में। और IPX5 का वाटर रेटिंग भी देखने को मिल रहा है, जिसपे हम लोग 30 सेकंड्स वाटर टेस्ट करके देखेंगे सर्वाइव करता है या डेड हो जाता है। और बेटर माइक के लिए इसमें आपको 4 माइक का फीचर देखने को मिल रहा है, एक एक बोर्ड में आपको 2-2 माइक का फीचर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में ENC नॉइस कैंसिलेशन भी ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसपे भी हम लोग टेस्ट करेंगे, नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करके देखेंगे कितना नॉइस रिड्यूस करता है। और 10mm का डाइवर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा फॉर बेटर बेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको TWS पसंद आया तो इसका Amazon लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर दो यार, भाई के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो। तो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विंग्स फैंटम 500 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का अनबॉक्सिंग। सो अभी इसके प्लास्टिक कवर को हटा लेते हैं। प्लास्टिक कवर को हटाने का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मस्त लगता है, एकदम न्यू सा फीलिंग आता है। सो इसके ऊपर आपको फैंटम 500 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। और अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने सारे स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट कर रखा है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और अगर आप तीसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे विंग्स के ब्रांडिंग को इन्होंने हाईलाइट किया। और अगर आप इसके पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ पे ब्रांड के रिलेटेड काफी सारे इन्फॉर्मेशन को इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे मॉडल नेम, कलर, MRP प्राइस आप इसका देख सकते हो 4,999 रुपीज। लेकिन मुझे प्रोडक्ट अमेजोन पे मिला सिर्फ 2,099 रुपीज का, बट अभी 2,500 का मिल रहा है। और मंथ ऑफ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर आप राइट साइड देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने एड्रेस को प्रिंट कर रखा है, साथ ही में कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने प्रिंट कर रखा है, जैसे फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, अगर कोई इशू हो तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चले भी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है हमको। वाह, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया लगा। ये क्या पेपर वेपर डाल रखा है। सो ये सारे कंटेंट मुझे बॉक्स में देखने को मिला। पहला है वारंटी कार्ड, 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी विंग्स आपको प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे ज्यादा सही लगता है। और यहाँ पे इन्होंने अपने कस्टमर केयर रिलेटेड फोन नंबर को भी हाईलाइट कर रखा है। और ये है विंग्स का यूजर मैनुअल, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ छाप रखा है, पता नहीं क्या क्या छाप रखा है। सो अभी इसको साइड रखते हैं। और ये है 2 जोड़ी 8 टिप्स डिफरेंट साइज के। और ये है टाइप सी चार्जिंग केबल, डाटा केबल नहीं है, चार्जिंग केबल है ये। और ये है अपना विंग्स मेन प्रोडक्ट। सो इसकी प्लास्टिक को भी रिमूव करते हैं अभी। और अगर केस के लुक के बारे में बात करें तो केस का लुक बहुत ही अच्छा है और एक प्रीमियम सा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। केस काफी ज्यादा स्टाइलिश सा लगता है देखने में, लुक्स में बहुत अच्छा लगता है। और एलियन स्पेसशिप सा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा, आप देख ही सकते हो अलग ही दिमाग इन्होंने खर्च किया है इसे बनाने में, कमाल लगता है देखने में। और LED से जो इन्होंने डेकोरेट कर रखा है ना, बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त लगता है देखने में। और अगर इसके साइज के बारे में बात करें तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 300mAh के बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डिजाइन की वजह से साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका, लेकिन ठीक है, इतना तो चलता ही है। लेकिन एक पॉकेट की जरूरत पड़ेगी आपको इसे कैरी करने के लिए। अभी आप बोर्ड्स का लुक देख सकते हो, बोर्ड्स का लुक भी बहुत अच्छा है। और ये भी एलियन गैजेट सा लुक रिप्रेजेंट करता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में, लगता है अलग ही दुनिया सा आया है, मतलब एकदम डिफरेंट सा ही लुक इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और LED कलर को भी इन्होंने यहाँ फिट कर रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। सिंगल कलर ही है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मल्टी कलर नहीं है इसमें। बोर्ड्स काफी अच्छा स्टाइलिश सा लुक लगता है। और इसके पीछे आपको 2 माइक देखने को मिल रहा है, आप देख ही सकते हो ऊपर एक है और नीचे एक है। और अभी मैं आपको विंग्स फैंटम 500 का फंक्शन बताना चाहूंगा। सो इसके डबल टैप से आप सॉन्ग को प्ले या पॉज सकते दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे। और 2 सेकंड टच एंड होल्ड से कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और वॉइस असिस्ट ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट बर्ड्स पे 2 सेकंड टच एंड होल्ड करना पड़ेगा। गेम मोड ऑन ऑफ करने के लिए आपको राइट बर्ड्स पे 2 सेकंड टच एंड होल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको ट्रिपल टैप करना है राइट बर्ड्स पे। प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको ट्रिपल टैप करना है लेफ्ट बर्ड्स पे। राइट बर्ड्स पे सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेफ्ट बर्ड्स पे सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो अभी आप केस का वेट देख सकते हो 49 ग्राम और इसके बर्ड्स का वेट है ओनली 4 ग्राम ईच, जो की लाइट वेट ही है। कैसा है इसका 40 मिलीसेकंड स्लो लेटेंसी का परफॉर्मेंस। गेम मोड ऑन होने पर इसका लाइट ब्लिंक होता है, बिना गेम मोड के इसका लाइट हो जाता है ऑफ। सो अभी गेम मोड ऑन है इसका। सो अभी एक लो लेटेंसी टेस्ट भी इस पे कर लेते हैं।
सो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा कि इसका लो लेटेंसी बहुत ही ज्यादा सही है, साउंड का डिले आपको यहाँ बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, सो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलने वाला है आपको इसमें, और एनिमी राइट से लेफ्ट से कहाँ से आ रहा है एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, सो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा सुपर है। सो फ्रेंड्स अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसके बर्ड्स में आपको 40 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है, जो कि आपको अप्रोक्स 3.5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड करेगा 80% वॉल्यूम में, और इसके बर्ड्स में आपको 300 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप इसके बर्ड्स को सिर्फ 2.5 टाइम ही फुल्ली चार्ज कर पाओगे, और इसके बर्ड्स का चार्जिंग टाइम है 60 मिनट और इसके केस का चार्जिंग टाइम है 90 मिनट 5V 2A चार्जर से बोले तो 10W चार्जर से। और मेरी भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10W से ऊपर का चार्जर इस्तेमाल ना ही करो तो बेटर होगा इसके बैटरी के लिए, इसका बैटरी लॉन्ग चलेगा, नहीं तो फास्ट चार्जिंग से अगर आप इसे चार्ज करोगे तो एक साल के अंदर ही डेड हो जाएगा इसका बैटरी। सो फ्रेंड्स आपने इसका अनबॉक्सिंग तो देखा है, अभी आप देख सकते हो कि वन हैंड यूजेबल है ये प्रोडक्ट, आप एक हाथ से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर इसके फील एंड कम्फर्ट के बारे में बात करें तो इसका फील एंड कम्फर्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, कानों में किसी भी तरह का आपको पेन महसूस नहीं होगा, आप पूरा दिन भी इसका इस्तेमाल करोगे ना भी आपके कानों में आपको पेन महसूस नहीं होगा, और आप उछलो कूदो कुछ भी करो आपके कानों से गिरेगा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आपके कानों में ये फिट बैठता है, और इसका नॉइस कैंसलेशन भी काफ़ी सही है। बर्ड्स का नॉइस कैंसलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब आप इसे कानों में पहनोगे तो आसपास क्या चल रहा है पूरा ये नॉइस को काट देता है, जिस वजह से कमाल का गेम एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक रबड़ देखने को मिल रहा है, इसी रबड़ की वजह से ही ये पूरा नॉइस को काट देता है ये। सो इसका फील एंड कम्फर्ट बहुत ज़्यादा सही है, और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें जो कि सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर होता है हर एक ईयरफोन्स में, सो इसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, और 100% वॉल्यूम में भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डिस्टॉर्टेड आवाज़ सुनने को नहीं मिल रहा है। रही बात वोकल्स का, तो इसका वोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड लाउड है, और एकदम रियल आवाज़ ये आपको प्रोवाइड करेगा, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आपको आवाज़ में सुनने को नहीं मिल रहा है, जैसा इंसान का आवाज़ है एकदम वैसा ही आवाज़ ये आपको डिलीवर करेगा। और अगर बात करें चिलिंग छनकार का, तो चिलिंग छनकार भी एवरेज है, और रही बात बेस का, तो भाई क्या बताऊं इसका बेस बहुत ही ज्यादा दमदार बूम पंची बेस आपको इसमें सुनने को मिल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई पावर बेस आपको इसमें सुनने को मिलेगा, और बेस के बाद जो मतलब फ्रीक्वेंसी आता है वो भी इसमें बहुत ही ज्यादा है, एकदम सर्किपल सा बजता है, बूम 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 सा कानों में मारता है, लेकिन बेस थोड़ा ओवर पावर है जो कि ट्रिबल और वोकल्स के सेपरेशन को खराब कर रहा है, साउंड क्लैरिटी को थोड़ा सा मिस आउट कर दे रहा है ये। और जब आप इसका गेम मोड ऑन करोगे तब ट्रिबल छनकार हल्का सा कम हो जाता है, बेस में और वोकल्स में आपको कोई भी मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, और इसके बर्ड्स के पीछे का एलईडी लाइट ब्लिंक होने लगता है, बस उतना ही डिफरेंस है इसके गेम मोड में। और अगर इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, मैंने इसमें 4 घंटा कंटिन्यूस गेमिंग किया था तो मुझे किसी भी तरह का लैग महसूस नहीं हुआ, और एक ही रूम के अंदर 20 मीटर्स का कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो कि फैंटम 500 है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक परफॉर्मेंस, कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है ये, और अभी मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ, सॉरी नॉइस टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो ये है मेरे पास हेड है, तो अभी आप सुन सकते हो कि इसका ईयर के नॉइस कैंसिलेशन का काम कर रहा है, और नॉइस को ये रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं, एक्चुअली अगर आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबसे बेस्ट आप इसे डिटेक्ट कर सकते हो, बस बहुत ठंडा हवा मार रहा है ये, ठंडी लग रहा है। और अगर बात करें नॉइस कैंसलेशन का, तो नॉइस कैंसलेशन एवरेज है, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, आवाज को ठीक से पकड़ नहीं पाता है नॉइस में। सो चलिए फ्रेंड्स अभी वाटर टेस्ट कर लेते हैं, आप सुन सकते हो सॉन्ग चल रहा है, आप देख सकते हो 30 सेकंड्स हो चुका है और इसके अंदर से मुझे किसी भी तरह का बबल्स दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये हो चुका है ऑफ। अभी इसको ऑन करके देखते हैं, आप देख सकते हो मेरे फोन के साथ हो चुका है ये डिस्कनेक्ट, अभी इसको ऑन करूंगा, आप देख सकते हो दोनों ऑन हो चुके हैं, और आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। अभी सॉन्ग चला के देखते हैं इसमें, सो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा कि ये वाटर टेस्ट भी सर्वाइव कर लिया है, जैसे ही मैंने इसे पानी में डाला ये हो गया था ऑफ, उसका ये रीजन है कि इसके पीछे है सेंसर, तो सेंसर को अगर आप 2 सेकंड टच एंड होल्ड करोगे तो ये हो जाएगा ऑफ, इसीलिए ये हो गया ऑफ। ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है कि पानी से या स्वेट से आपका खराब हो जाएगा, आप इसे बिंदास जिम में वर्कआउट के टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, पानी से और स्वेट से ये आपका खराब नहीं होगा, लेकिन आपको इसे पहन के स्विमिंग पूल में डुबकी नहीं मारना है, उतना ज्यादा
वाटर रेजिस्टेंस नहीं है ये। और फ्रेंड्स अगर इसके गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मैं अपना गेमिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ, आपका शायद कुछ और ओपिनियन हो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बूम पंची बेस आपको सुनने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा बूम पंची बेस की वजह से जब मैं इसमें गेमिंग किया था तो मैं 4 घंटा कंटिन्यूस गेमिंग किया था, तो मेरे कानों में किसी भी तरह का पेन तो महसूस नहीं हुआ लेकिन मेरा दिमाग थक गया था। मतलब 4 घंटे गेमिंग के बाद मुझे मतलब नींद आ रहा था, इतना थक गया था, मतलब थकावट से फील हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बूम पंची बेस की वजह से दिमाग मतलब थक जाता है। आप बहुत ज़्यादा गेमिंग इसमें नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा हाई बेस की वजह से, सो इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। लेकिन 40 मिलीसेकंड्स लो लेटेंसी कमाल का है इसका। सो दोस्तों अगर आप इसे खरीदो तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो कि आपको कैसा फील हुआ इसमें गेमिंग करके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दो यार, भाई के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो।